आपकी कार से या आपके टू व्हीलर से या फोर व्हीलर से टकराएंगे। मेरा और इस्तीमा इन टाइम पे नहीं आए तो बड़े हरामी हो। सलाम नमस्ते मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपका एमआर खान आज मार्केट के लिए निकल रहा हूँ। जाना मेरे को आनंद पर्वत है, लेकिन रास्ते में एक बहुत ही डेंजरस जगह पड़ेगी। शायद जो जानते हैं दिल्ली के बारे में, दिल्ली का सदर बाज़ार, तो डेंजरस एरिया है वो, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जो नहीं जानते हैं, जो सदर बाज़ार को नहीं जानते हैं, या जो सदर बाज़ार आते हैं दिल्ली से बाहर से और उनको सदर बाज़ार के बारे में नहीं पता है वहाँ ख़तरनाक क्या है, तो उस बारे में इंशाल्लाह बताऊँगा मैं आपको। अभी तो मैं अपनी पार्किंग से निकल रहा हूँ, इंशाल्लाह जैसे पहाड़गंज पहुँचता हूँ तो फिर मैं सदर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेरी बातों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज़रूर दीजिए, बहुत ज़रूरी बातें हैं। क्या ज़रूरी पर बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है भाइयों, याद रखिए। अभी थोड़ी देर में निकलता हूँ मैं यहाँ से, मैं इंशाल्लाह आपको सदर बाज़ार के बारे में कुछ ख़ास बात बताना चाहूँगा। ये पीछे हमारे जो बैठे हुए हैं मिस्टर अमर हेल्दर, हमारे बंगाली बाबू हैं। तो अभी मैं तुर्कमान गेट पर खड़ा हूँ और अभी दिल्ली गेट रेड लाइट पे चालान कटवा के आ रहे हैं। ठीक है, रेड लाइट जंप तो नहीं की थी, ग्रीन में निकली थी, ऑरेंज में बीच में ट्रैफिक में फंस गए और जब रेड लाइट क्रॉस करते तक रेड हो गई। तो भाई कोई बात नहीं, ऊपर वाला और देगा। अभी हम हैं पहाड़गंज फ्लाई ओवर पे, अभी पहाड़गंज हम जहाँ शीला सिनेमा हॉल हुआ करता था या है अभी भी शायद, तो अभी हम शीला वाले फ्लाई ओवर से नीचे उतर रहे हैं। बहुत ही नज़दीक है वो एरिया, मोस्ट डेंजरस एरिया, बहुत करीब में हमारे वो, जिसके बारे में मैं वो बता रहा है जिन भाइयों को नहीं पता है, वरना जो दिल्ली के आने जाने वाले हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सदर बाज़ार का एरिया मोस्ट डेंजरस क्यों है। तो भाइयों ये रेड लाइट आ गई है, पहाड़गंज सामने पहाड़गंज थाना है और ये जो है सदर चौक, मतलब यहाँ से सदर स्टार्ट हो जाता है। तो मोस्ट डेंजरस इसलिए है, जो भाई दिल्ली से बाहर से आते हैं ना, तो वो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, चाहे वो पैदल में हो, चाहे वो कार से हो, चाहे स्कूटी से हो। यहाँ क्या होता है कि पिक पॉकेट जो हैं वो आपकी कार से या आपके टू व्हीलर से या फोर व्हीलर से टकराएंगे। एक बंदा टकराएगा, आप गाड़ी रोकेंगे, आप गाड़ी से उतर के बात करना चाहेंगे, तो दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, आपको घेरेंगे, आपका मोबाइल पर्स सब चीज़ें आपकी छीन ली जाएंगी। तो बेहतर ये है कि अगर आप यहाँ से पैदल भी जा रहे हैं ना, इतना ख़तरनाक एरिया है ये, तो आगे पीछे ज़रा ध्यान दीजिए कि आपको आसपास में ऐसे लड़के दिख जाएंगे जो मतलब पॉकेट मार हैं। तो कोशिश ये करिए कि इतने होशियार रहिए कि उनसे बच के चलिए, वो जान पूछ के आपके आगे पैदल में भी आपके आगे आके आपसे टकराएंगे, आपसे बहस करेंगे, दूसरा तीसरा इस तरीके से जमा होंगे। क्योंकि मेरे साथ भी कम से कम 5-6 बार ये सीन हो चुका है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है साने में बच गया पॉकेट कटने से। और अपनी आँखों से हमने पिछले 20-25 साल से इधर आ रहे हैं, सैकड़ों केस ऐसे देखे हैं। तो भाई ज़रा मैं तो कहता हूँ कि सदर की एंट्री से पहले क्या आप घर से भी जो है इस सिलसिले में सोच समझ के चलिए, अपना मोबाइल पर्स बहुत ध्यान से, यहाँ पैदल आओ, स्कूटी पे आओ, फोर व्हीलर में आओ, सबके लिए दिक्कत है। फोर व्हीलर में ये है कि कोशिश यही करिए कि अगर आपकी गाड़ी से कोई टकराता भी है और वो बदतमीजी करता है, गाड़ी के बोनट पे हाथ मारता है, गुस्सा दिखाता है, तो गाड़ी से बाहर ना निकलिए, बेहतर ये है कि गाड़ी चलाते रहिए, गाड़ी से निकल जाइए आगे। तो ये एरिया यहीं से शुरू हो जाता है मोस्ट डेंजरस, तो ज़रा अपनी पॉकेट का ध्यान रखिए। यहाँ से मोतिया खान आएगा पहले, मोतिया खान के बाद फिर सदर बारा टोटी वगैरह, जो दिल्ली से बाहर से आते हैं लोग, वो अपनी पॉकेट का ज़रा ध्यान रखिए।
अभी मैं बिल्कुल पहाड़गंज की रेड लाइट पर खड़ा हूँ, सामने ही आगे पहाड़गंज थाना है और यहाँ से मोस्ट डेंजरस एरिया शुरू हो जाता है। कि अपना ध्यान रखिए, अपने पॉकेट का ध्यान रखिए, मोबाइल पर्स सब कुछ जा सकता है। मिलते हैं अभी एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। भाइयों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है हमारी दिल्ली की ईदगाह, और माशाल्लाह जब इज्तिमा होता है यहाँ तो ये पूरा एरिया मतलब कम से कम 3-4 किलोमीटर का एरिया ऐसा खचा खच भरा होता है कि आप पैर भी नहीं रख सकते। जो दिल्ली के रहने वाले हैं वो जानते हैं कि ईदगाह में माशाल्लाह जब इज्तिमा होता है तो यहाँ क्या हालात होते हैं, कैसा मंजर होता है। बाकी दिल्ली में जब भी आप क्या कहते हैं आपका सदर साइड आना हो तो अगर आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है तो एक तो सदर आप जो है होली दिवाली दशहरा और इज्तिमा इन टाइम पे नहीं आए तो बेहतर है आपके लिए, क्योंकि बहुत बड़ा हरामी हो बेटा, बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ चलना फिरना भी। तो ये कुछ शरारती बच्चे गए हैं, जैसे मैं कभी बचपन में शरारती था, शरारती तो खैर मैं आज भी हूँ ऐसी बात नहीं है, तो ये शरारत करते हुए गए हैं। तो मिलते हैं अभी ब्रेक के बाद, बाय। ये देखिए ये अपनी वाइफ के कुकिंग चैनल के लिए हैवेल्स का 67 की पड़ गई। आज ये शॉपिंग करके आया हूँ मैं मेरी वाइफ मोनी मॉम कुकिंग चैनल के लिए। वैसे तो माशाल्लाह सारा सामान है, फिर भी अलग से एक प्रेशर कुकर और लेके आया हूँ 8 लीटर का। कुकर निकालो अंदर से, बाहर से। ये है माशाल्लाह हैवेल्स का मिक्सर ग्राइंडर, हैवी ड्यूटी मोटर 1000 वाट, और ये है हैवेल्स का मिक्सर ग्राइंडर हैवी ड्यूटी में। ये शॉपिंग करके आया हूँ मैं आज अपनी वाइफ की कुकिंग चैनल के लिए, और अभी एक अप्लायंसेस बाकी रह गया है वो बुक करा है, वो इंशाल्लाह कल आएगा। ये आप ऊपर से भी ओपन कर सकते हैं, बाकी ये तो है ही तीनों साइड से खोलो इसको। और बहुत ही हेवी स्टील है, ऐसी बात नहीं है, चीज़ है जो बात है। सुजादा के बाद कुछ बेहतरीन लगा मेरे को, तो ये हैवेल्स का है।